but we just thought to go now, and now we are going to one of the trip, which is from Mumbai to Delhi. It's a very very long trip and I'm going with my family. जो चीज़ मैंने नोटिस की वो ये है कि यहाँ पे आपको तीनों की तीनों लेन्स में ट्रक्स दिखेंगे जो कि डिफरेंट स्पीड्स पर चल रहे होंगे, और ये जो ट्रक है ये लेन्स को बदलते रहते हैं. SG रोड पे, SG हाईवे पे, SG हाईवे पे बुक करने का रीज़न है कि वो उसी हाईवे से हमें गांधीनगर की तरफ निकलना है टूवर्ड्स उदयपुर. तो हमें सुबह सिटी से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी सिटी से बाहर रहेंगे तो हम लोग आराम से वहाँ से निकल सकते हैं. हम रुके हैं अभी PUC कराने के लिए, बिकॉज हमारा PUC एक्सपायर हो गया था ऑन 10th of May. 10 मिनट लगेगा PUC करवाने में और उसके बाद हम लोग निकलेंगे. ये नया ब्रिज बना है, पहले बहुत छोटा ब्रिज हुआ करता था. डायपर चेंज करना है. ओके, गुड मॉर्निंग. सुबह के 5:20 हुए हैं और दिस इज़ आर सेकेंड डे ऑफ मुंबई दिल्ली ट्रैवल. अहमदाबाद से हम लोग निकल रहे हैं अभी, और अहमदाबाद से निकलने में अपने को और 15 मिनट लगेंगे, बिकॉज अभी बस कार बुलाया है वेले से एंड सामान उसमें लोड करके विल जस्ट मूव टूवर्ड्स जयपुर. जयपुर का रास्ता है तकरीबन 670 किलोमीटर के आसपास, एंड अपने को वो कवर करना है 12 से 15 घंटे के अंदर. कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सकता है कवर करें, अदरवाइज़ हम लोग अजमेर रुकेंगे या फिर उससे पहले भी अगर कोई सूटेबल प्लेस मिलता है तो हम लोग वहाँ पर रुकेंगे. बट मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग जयपुर पहुँच जाएंगे, ताकि जयपुर पहुँच के हम लोग रिलैक्स्ड हो जाएँ, क्योंकि जयपुर से दिल्ली का रास्ता है 4-5 घंटे का. तो हम कल जब वहाँ से निकलेंगे तो हम 12 बजे भी निकले तो हम 5 बजे तक जयपुर पहुँच जाएंगे. सो आर स्टे वाज वेरी गुड इन दिस होटल. दिस इज़ नोवोटेल अहमदाबाद एंड इट वाज वेरी कंफर्टेबल, इट वाज वेरी गुड, फूड वाज ऑसम. थोड़ा सा डिले हुआ फूड में एंड कंफ्यूजन हुआ, थोड़ा सा एक दिक्कत हुआ था वो सॉल्व हो गया बाद में. एंड वी हैड आर डिनर अराउंड 11:30 इन द नाइट एंड देन वी स्लेप्ट. सो हम उठे हैं तकरीबन 4:30 बजे और एक घंटा मेरे को लगा कि रेडी होने में, और अभी हम लोग रेडी होके नीचे जस्ट आए हैं रिसेप्शन पे, चेकआउट कर लिया है और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से. मैप लगाऊंगा, मैप लगा के देखता हूँ क्या सिचुएशन है, किधर से जाने का है, क्या रास्ता है, बिकॉज़ यहाँ का रास्ता मुझे, यहाँ से आगे का रास्ता मुझे मैप के थ्रू कवर करना पड़ेगा, बिकॉज अहमदाबाद तक का रास्ता आई वॉज अवेयर. सो लेट्स गो गाइज, एंड आपको पूरा का पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हाउ वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू जयपुर. इट इज़ अ पार्ट ऑफ मुंबई दिल्ली रोड ट्रैवल. सो वी लॉग डू, प्लीज़ डू वॉच एंड जस्ट लाइक अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब. अभी हम लोग मेहसाना पहुँचे हैं. मेहसाना में थोड़ा सा एक चाय वगैरह पी रहे हैं और अभी यहाँ से निकलेंगे पालनपुर. तकरीबन यहाँ से 60 किलोमीटर्स हैं और 60 किलोमीटर के बाद हम लोग एक छोटा सा स्टॉप लेंगे फॉर सम नाश्ता एंड ऑल. एंड इक्शू अभी सो रहा है. इक्शू अभी एक्चुअली उठने का टाइम है इसका 9 बजे के आसपास का. हाँ बेटा, ओके ओके ओके. तो गाइस अभी हम लोग एक चाय पीने के लिए रुके थे, बिकॉज सुबह सुबह के टाइम हम लोग होटल में चाय नहीं पी पाए प्रॉपरली. तो वी जस्ट हैड वन टी. मेहसाना हमने क्रॉस किया है. मेहसाना के बाद हम लोग रुकने वाले हैं पालनपुर में, एंड पालनपुर के बाद हमारा आबू रोड के बाद हम लोग टूवर्ड्स जयपुर जाएंगे. रास्ता अहमदाबाद से लेके मेहसाना तक जो था, इट वॉज अमेजिंग रोड. आई मीन मैंने
कुछ लोगों से पता किया है कि जयपुर तक का रोड कैसा है। इट्स ब्यूटीफुल रोड, इट्स वंडरफुल रोड। मेरी कार को मैंने ज़्यादा नहीं बट हाँ 180 के आसपास रखा है। एक घंटे के अंदर हम लोग मेहसाना क्रॉस कर गए। सो आई थिंक रोड के मामले में गुजरात का कोई कंपैरिजन नहीं है। आई एम श्योर राजस्थान इज़ ऑल्सो वेरी गुड बिकॉज राजस्थान की रोड्स भी बहुत अच्छी हैं। सो पालनपुर क्रॉस करने के बाद हम लोग गुजरात बॉर्डर क्रॉस करके रिमाइंडर करते हैं। तो राजस्थान में रोड हमें अच्छी मिलने वाली है, नो डाउट। तो राजस्थान में अपने को आबू रोड मिलेगा। आबू रोड के बाद हम जाएगी जयपुर जाने वाले हैं। जयपुर पहुँचने का टाइम मुझे जो बता रहा है यहाँ से 10 आवर्स बता रहे हैं, 30 मिनट्स के आसपास। अप्रॉक्सीमेटली 4:30-5 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है बिकॉज जैसा मैंने बोला कि छोटा बच्चा साथ में है तो उसके लिए अपन को बीच बीच में रुकना पड़ेगा, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसका कंफर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मम्मी का कंफर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों का बफर टाइम आप लेके चले हमेशा। आई वॉज थिंकिंग टू स्टॉप इन अजमेर अगर मुझे लेट होता है और मैं नाइट में ड्राइव नहीं करना चाहता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि नाइट में ड्राइव करने का यू नो होगा, होपफुली नहीं होगा। अगर हुआ तो एक आध घंटे का ड्राइविंग रहेगा, वो भी हाईवे पर अजमेर से जयपुर का हो सकता है। अजमेर में होटल अच्छा, बट आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट द अजमेर। जयपुर का काफ़ी आइडिया था, जयपुर में बहुत बार गया हूँ और जयपुर में बहुत सारे दोस्त रहते हैं तो उनसे आई हैव टेकन सम यू नो अपडेट्स ऑन डैट। और अजमेर में भी कुछ लोग थे बट अजमेर में उन्होंने बोला कि अगर आप अजमेर पहुँच ही रहे तो उसके बाद 80 किलोमीटर जयपुर आ जाता है, तो अगर आप वो कवर कर लेंगे तो डेट वुड भी बेटर। और आज का दिन अगर हम लोग जयपुर पहुँच जाते हैं 5-6-7 बजे तक की, तो हमारे पास एम्पल टाइम होगा रेस्ट करने के लिए। और जयपुर से दिल्ली इज़ हार्डली 4-5 आवर्स। सो टुमारो वी कैन लिटिल लेट 9-9ish एंड हम लोग अगर 10:30-11 बजे भी जयपुर से निकलते हैं तो मैक्सिमम 5 बजे तक, मैक्सिमम आई एम यू नो टेकिंग द हायर साइड, तो मैक्सिमम 4-5 बजे तक हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। सो दैट्स हाउ वी हैव प्लान्ड आवर ट्रिप एंड यस्टरडे वाज आल्सो वेरी कंफर्टेबल ड्राइव बिकॉज हम लोग 4 बजे अहमदाबाद पहुंच गए थे, तो उसके बाद हम लोगों ने सिर्फ रेस्ट किया है। सुबह 4 बजे उठ के निकलने का एकदम प्लान हमारा सही था। 5:30-5:30 बजे हम लोग निकले रेडी होके एंड ऑल। तो गाइज स्टे कनेक्टेड, हम लोग मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे एंड आई गिव यू ऑल द अपडेट कि किस तरह से आपको जाना है, कैसे जाना है एंड रास्ते में हम लोग दोबारा से कनेक्ट होते हैं आपके साथ। तो छापी में हम लोग रुके हैं अभी पेट्रोल डलवाने के लिए और आज का जो रेट है पेट्रोल का 94.51 है, कल 95 रुपये था। तो गुजरात से टैंक फुल करा के जा रहे हैं, उसके बाद राजस्थान पहुंचेंगे तो राजस्थान में देखते हैं क्या है। बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं इस रूट पे, आप किसी भी पेट्रोल पंप पे रुक सकते हैं और वहाँ पे आप पेट्रोल डलवा सकते हैं। SR के पेट्रोल पंप पे हमने पेट्रोल डलवाया, तकरीबन 3200 का पेट्रोल डला है यहाँ पे, 33.86 लीटर। तो आई थिंक कैसा रूट आगे राजस्थान तक जयपुर तक, मस्त है? ओ, पालनपुर से भी रोड बन गया। पालनपुर से रोड बन गया, बन गया, बढ़िया। इधर तक ही दिक्कत है, चालू है ना काम काज। आज हाईवे एकदम बढ़िया, तो रूट अच्छा है। दादा ने बोला कि रोड अच्छा है आगे पालनपुर के बाद, तो पहुंच जाएंगे हम लोग टाइम। पहुँचे हैं आबू रोड। आबू रोड पर थोड़ा हम रुके हैं बिकॉज ऑफ एक्चुअली थोड़ा परेशान कर रहा था तो उसके लिए हम लोग रुके हैं, थोड़ा वो कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। आबू रोड यहाँ से अंदर जाके 28 किलोमीटर है, बट यू कैन सी द माउंटेन्स ऑफ आबू रोड, माउंट आबू यू कैन से।
यहाँ पर ये माउंटेंस आपको दिख रहे होंगे। सो हमें अभी 478 किलोमीटर है जयपुर, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम आज ही दिल्ली पहुँच जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, 10-11 बजे तक अगर इक्षु कंफर्टेबल रहा, मम्मी कंफर्टेबल रही, नेहा भी कंफर्टेबल रही, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि रात को ही आज दिल्ली पहुँच जाएँ, जयपुर रुकना ना पड़े। तो हमारा लंच हो गया है, हमने लंच थोड़ा जल्दी कर लिया ताकि हम लोग स्पीड से हम लोग निकल सकें। और प्लान ये है कि पहले प्लान ये था कि हम लोग जयपुर रुकेंगे, अगर हम लोग लेट हो गए और ट्रैवल नहीं हो पाया बच्चे के साथ एंड मम्मी के साथ, बट अभी हमें लग रहा है कि 6 घंटा हमें जयपुर पहुंचने में लग रहा है। अभी बजे 11:15, यानी कि 5:15 बजे तक हम जयपुर पहुँच जाएँगे। अगर थोड़ा और स्पीड अप करें या थोड़ा सब कुछ सही रहा तो हम लोग शायद जयपुर से दिल्ली डायरेक्ट निकल जाएंगे और हम जयपुर हॉल्ट नहीं करेंगे। व्हेन आई स्टार्टेड दिस व्लॉग मैंने बोला था हम ये 3 दिन में कवर करने वाले हैं, प्लान यही था। अहमदाबाद के लिए तो मैंने होटल बुक किया था, बट जयपुर के लिए मैंने इंटेंशनली होटल बुक नहीं किया था। आई हैड अ प्लान कि अगर हम लोग जयपुर नहीं रुकते हैं और तो हमारा वो होटल का पैसा बर्बाद चला जाएगा। सो इट्स बेटर कि जब मैं जयपुर पहुंचने वाला हूं और कंडीशन लगती है कि हाँ इससे आगे नहीं जा पाएंगे, इससे आगे और ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, देन ओनली आई विल बुक द होटल। तो अभी भी यही प्लान है, 90% यही प्लान है, 10% अगर हमें चांस मिलता है कि हम जयपुर टाइम से पहुँच गए, और अगर अपने को लगता है कि वी कैन ड्राइव विद इन्फेंट एंड माई मदर, तो हम लोग नेक्स्ट चार घंटे में शायद दिल्ली भी पहुंच सकते हैं। सो मैक्सिमम अगर हम लोगों ने दिल्ली जाने का प्लान किया तो मैक्सिमम 10:30 बजे तक हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। आई थिंक इट्स बेटर थिंग कि अगर आप इतना ड्राइव करके निकल सकते हैं और 10 बजे तक घर पहुंच सकते हैं तो आपको फिर एक और हॉल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके एंड एवरीबडी इज़ कम्फर्टेबल इन ट्रैवल, सो विल सी यू इन जयपुर। हम लोग बीच में शायद नहीं रुकेंगे, अगर बायो ब्रेक लेना रहा तो रुकेंगे, तब बात करेंगे कि हम कहाँ पर हैं, किस लोकेशन पर हैं। पीछे काफ़ी टोल पड़े थे, आगे भी काफ़ी टोल पड़ेंगे, टोल का तो ऑब्वियसली अच्छे रोड हैं तो टोल रहेंगे। तो टोल का जितना भी अमाउंट बनता है फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इन द एंड ऑफ द व्लॉग। सो लेट्स मूव नाउ टू जयपुर एंड जयपुर में मिलते हैं। ठीक है, पाउडर या कोकोनट ऑयल लगाने से स्माइल करो, स्किन अच्छी रहती है।
क्रैशेस नहीं पड़ते। सो फाइनली राजस्थान में हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया है। अभी यहाँ पे पेट्रोल 104 रुपये पर लीटर है, 104.50 रुपये के आसपास। गुजरात में वो 95 रुपीज़ के आसपास था, यहाँ पर 104 रुपये है। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 30 लीटर पेट्रोल डाला है 3148 रुपये का। सो इसके बाद हम लोग निकलते हैं जयपुर के लिए। जयपुर के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे हमें कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है या जयपुर में रुकना है। मुझे पर्ची मत देना। जयपुर 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 आ गया। जयपुर की सवारी आ जाओ, चलो उतरो, आमेर फोर्ट देखने जाओ, शर्मा की कचौड़ी खाकर आओ। फाइनली हम लोगों ने जयपुर में स्टे कर लिया है, बिकॉज हम लोग सब लोग थक गए थे, बिकॉज सुबह 4 बजे उठे थे और प्रीवियस डे भी हमारा 4 बजे उठ के बहुत लंबा ट्रैवल था अहमदाबाद तक का। एंड प्रीवियस डे हम लोग तकरीबन 1 से 1.5 बजे सोए। सो हम लोग काफ़ी टायर्ड थे सुबह 4 बजे से ड्राइव करके। करीब 700 किलोमीटर का जो सफ़र है अहमदाबाद से जयपुर तक का, 750 किलोमीटर का, वो हम लोगों ने कवर किया। और रोड्स वर अमेजिंग, रोड्स बहुत सही थी और इसी वजह से हम लोग ये इतना लंबा सफ़र तकरीबन 5:30 बजे निकले हम लोग, तो हम लोगों ने तकरीबन 10-11 घंटे में ये सफ़र कवर किया है। तो फाइनली हम लोग पहुँचे हैं, हम लोगों ने रूम में चेक इन किया है, होटल में चेक इन किया है। वी आर स्टेइंग इन राजा पार्क एरिया इन रमाड़ा। एंड यहाँ पे इन राजा पार्क एरिया देर आर लॉट ऑफ प्लेसेस टू एक्सप्लोर, बट बिकॉज ऑफ कोविड वी आर नॉट गोइंग आउट एनीवेयर। सो हम लोग कल निकलेंगे दिल्ली के लिए और कल सुबह हम लोग नाश्ता करके यहाँ से थोड़ा सा लेट निकलने का चलेगा, बिकॉज हम लोग दिल्ली से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर हैं, तो वो जल्दी से सफ़र कवर हो जाएगा। सो किस तरह से बेबी को हम लोगों ने डायपर चेंज करना है, उसको दवाई पिलाना है, एंड ऑल दोज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन दिस थिंग। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ मुंबई दिल्ली रोड। आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आई एम श्योर ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत काम आएगी, बिकॉज ट्रैवलिंग में ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वी मेड दिस ब्लॉग। टुमारो अगेन विल बी लिविंग फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। तो थर्ड व्लॉग जो हमारा आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग आपको बताएंगे कि जयपुर से दिल्ली आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो हम लोग तकरीबन 8-9 बजे के आसपास निकलने वाले हैं, एंड आई थिंक 1 या 2 बजे के आसपास हम लोग मैक्सिमम दिल्ली पहुँच जाएंगे। अगर हम स्लो भी गए और थोड़ा रुक रुक के भी गए तो मैक्सिमम 2 बजे तक हम लोग दिल्ली पहुँच जाएंगे। सो आई एम श्योर ये व्लॉग आपको अगेन पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियो एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, सो आप ये व्लॉग से काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु आर ट्रैवलर्स एंड हु वॉन्ट टू ट्रैवल विद देयर फैमिली एंड स्मॉल किड ऑन दिस लॉन्ग रूट। जल्दी मिलेंगे आपसे नए व्लॉग के साथ, जो कि है जयपुर टू दिल्ली का। एंड टिल देन गाइस, प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ।